मंगलवार को देवास में जनसुनवाई में एक माँ अपने बच्चों के लिए पुलिस के सामने आंसू बहाती नजर आई। पुलिस ने महिला को आश्वासन दिया था और दहेज मांगने वालों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक अनीता पिता राधेश्याम एक गरीब निर्धन परिवार से है। फरियादी अनीता के माता पिता नहीं है और एक भाई है, वो भी दिव्यांग है। पीड़िता कमाई का विक्रम मार्ग भवानी सागर देवास है। अनीता की शादी तकरीबन 18 साल पहले राधेश्याम से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। हम बच्चे का मेरे दोनों बच्चे उठा ले गए बहन के और मारपीट करते हैं, दहेज मांगते हैं। मेरा भाई लंगड़ा और छोड़ने जाता है तो मार कर देता है, धक्के मार के। नहीं, बच्चे को उठा के लेके गए, इंदौर वाले लोग ले गए, उसमें सामने पहुँचाया साहब। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत 9 फरवरी को सिटी कोतवाली थाने में की थी, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके चलते पीड़िता ने अब मदद के लिए जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई है। देखना यह होगा कि पीड़िता को थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे या पुलिस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी।